मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिखा's हैप्पी लैब। और मैं शिखा हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत ही प्यार के साथ वेलकम करती हूँ। एंड आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बारिश को इंजॉय कर रहे होंगे। खैर आज है मंडे और आज सबका छुट्टी था, हमारे यहाँ स्टेट हॉलीडे है आज, तो आज छुट्टी थे तो सारी दीदी मतलब दीदी लोग घर में थे, तो आज स्पेशली बन रहा था कि सब घर में हैं तो आज इडली डोसा, तो दीदी आज इडली डोसा बना रही है और मैं बना रही थी चटनी सफ़ेद वाली। दीदी इडली रख दी थी और ना क्या बोलते हैं उसको सांभर रख दी थी, मैं बना रही थी वाइट वाला चटनी जिसमें जाता है थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा फली और आधा टमाटर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ये सब को डाल के ना एक साथ ग्राइंड कर दी थी। ग्राइंड करने के बाद उसको मैं छौंका लगाऊंगी। बस एक छौंक लगाने के बाद, छौंका लगाने के बाद तो हाय हाय व्हाइट चटनी, मुझे ना सांभर व्हाइट चटनी में सबसे ज़्यादा ना ये व्हाइट वाली चटनी अच्छी लगती है, सांभर उतना नहीं खाती हूँ बट मम्मी उल्टा सांभर बहुत ज़्यादा खाती है। खैर इडली बन चुका है और आज इतने सारे लोगों का इडली बनाना है तो कोई मजाक बात तो है नहीं है, तो दीदी की हेल्प मैं कर रही थी। इडली देखो कितना सुंदर सा बन चुका है और साथ ही साथ ना आज बहुत सारा काम चल रहा था, मतलब पता ही है जब इडली डोसा बनता है इस टाइप का जो नाश्ता बनता ना या फिर ढोकला ऐसा कुछ नाश्ता बनता ना, पूरा किचन का प्लेटफॉर्म आपको भरा 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 दिखाई देगा और वैसा ही कुछ सीन हमारे यहाँ का है। तो बस सारे काम चल रहे थे साथ के साथ और आज जैसे बताई थी कि आज हमारे यहाँ स्टेट हॉलीडे है तो आज हमारे यहाँ का ना छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फेस्टिवल आज के दिन से स्टार्ट होता है हरेली। ये मेनली किसान लोग का फेस्टिवल होता है तो इस दिन के लिए पूजा करते, तो दीदी को ध्यान नहीं था कि आज हरेली है तो भिगा चुकी थी, तो मैं बोली चलो पूजा करने के नाम से एटलीस्ट थोड़ा सा, बस पूजा करने के नाम से थोड़ा सा पूड़ी और पकौड़ा और ना मालपुआ क्या मालपुआ बनाऊंगी। और साथ में बाहर का नज़ारा देख रही थी, भाई साहब क्या नज़ारा है, इतना मस्त सुंदर हरा भरा, मैं बस किचन के विंडो से देख रही थी। रात में बारिश हुई ना तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है और मैं बना रही हूँ ये आटा, गूंथ रही थी गेहूं के लिए पूड़ी के लिए और ये वाला आटा है चावल आटे का जो बनता है ना पकौड़ा वो, साथ के साथ किचन में पूरा मतलब साफ बर्तन साफ करके रखा हुआ था उसको भी उसके जगह में रखना था, अदरवाइज पूरा किचन मैस हो जाता है यार सच्ची बता रही हूँ। तो बस दीदी भी अपने काम में लगी हुई थी, मैं भी अपने काम में लगी हुई थी, साथ के साथ दोनों काम चल रहा था। साथ में ही ना इतना इधर उधर के काम भी चल रहे थे ना, सिर्फ किचन का नहीं मतलब बाहर में भी बारिश होती थी सारे कपड़े को डालना ये वो करना, पता नहीं दुनिया भर का काम आज के दिन था, सारा काम ऐसे ही चल रहा था फटाफट 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 फटाफट। और साथ में क्या काम चल रहा था, हाँ जी मैं साथ में ना मिर्ची प्याज सब कुछ काट रही थी क्योंकि पकौड़े में डालना था ना प्याज के मतलब प्याज सॉरी चावल आटे का पकौड़ा, जिन लोग खाए होंगे उनको पता होगा बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है सच्ची बता रही हूँ। आप लोग बेसन का पकौड़ा भूल जाओगे अगर चावल आटे का पकौड़ा खाए तो, देखो मैं यहाँ पर डाल रही चावल आटे का पकौड़ा टुक टुक महाराज, जैसे कि पता है कि इसको तो किचन में ज़्यादा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे साथ। तो बस दीदी और मैं दोनों साथ में मिलकर बना रहे थे और साथ में क्या कर रहे थे और मैं ऊपर रहती कुछ काम से थक गई पूरी तरीके से आज, हिम्मत भी नहीं, एक्चुअली में एक्सरसाइज करनी आई थी ऊपर, टाइम हो चुका है 11 से ज़्यादा, 11:30 होने वाला है आई थिंक, 11:30 हो भी गया है, सुबह से काम में बिजी थी तो आज हुआ नहीं था तब भी करने आई थी। एग्जैक्ट 11:30 हो चुका है, मैं बस जा रहा हूँ नहाने, जरा फ्रेश करो मैं सोचा नहा भी लूँ जा रही हूँ खा लूँगी घर जा रहा अभी तो नाश्ता बना है इधर सारा, अगर मैं अभी ब्रश करके सीधा खा ली फिर नहाना पता नहीं कब होगा, तो सोच रही हूँ साथ में ब्रश पे फटाक से नहा लूँ फिर बाकी का आइटम आगे देखा जाएगा। बारिश कल रात से कंटिन्यू हो रही है और कपड़े इतने सारे हैं कि सूखेगा भी नहीं, तो आज इसको मस्ती में डाली की डालू आज मस्ती, नहा के जस्ट तैयार हुई क्या मतलब बस सूट डाली हूँ और तो कुछ नहीं की हूँ और पूजा करना था आज, तो
तो बस जिसका रिली था त्यौहार ना उसको पूजा जो करना है, और कोई है नहीं, भाई लोग सब बाहर गए हुए हैं, पापा नहाए नहीं है, और मौसम ऐसा लग नहीं था कि वो लोग नहाएंगे। दीदी बोल रही कि तू ही नहा लिए तो पूजा कर ले, बाकी अभी घर में कोई नहीं नहाया है, सब खान सब ना सुबह का इडली खा के सब इधर उधर पड़े टूट होके। चलिए फिर मैं पूजा करती हूँ फटाक से, फिर आप लोग से मिलती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। काले पानी चले गया नहाते नहाते। डुगू का हाल है पूरा, पेपर देख ये सब काम इसका, जो वहाँ पे बैठ के देख रहे थे प्योर से देख रहे वो। बाय गॉड, मैं दादा खोलूँगी तो आएगा, और पूरा मिट्टी मिट्टी किया भाई साहब। लेकिन पानी उछार ले, और पानी उछारे के बाद में फूल तो मन तो सब ऊपर ऊपर हो गए, बस अब में बंधन टिक देवे सब में जतका औजार है तुम्हें, और कर बाद आरती करके वो मेरे के दिया जलाबे का ना। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, और जो लोग जान रहे होंगे ना कि हरेली त्यौहार क्या है उनके लिए तो कोई मतलब उन लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे होंगे वो लोग सोचेंगे कि क्या चीज़ का पूजा कर रहे हैं यार, और कैसी जगह रख के पूजा कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये ना जितने भी आपके घर में टूल्स रहते हैं ना उसका पूजा किया जाता है, जितने भी लोहे से बना हुआ चीज़ रहता है या टूल्स रहते हैं जो आपकी हेल्प करता है आपके काम में उसका पूजा किया जाता है। तो मेरे घर तो गार्डन में जो छोटा मोटा चीज़ होता है, छोटा मोटा जो टूल्स यूज़ होता है वो है, और किचन का ना चाकू वगैरह वो भी ला के रख देती थी, उसका भी पूजा कर रही थी। अगर आप गाँव में जाके देखो ना प्रॉपर वहाँ पर जितने भी क्या बोलते हैं फार्मिंग में जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं ना, जितने भी टूल्स उन सब टूल्स को आज के दिन धुल के अच्छे से धुल के उसका पूजा किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, आपके घर में जितने भी पकवान बने थे उसका उसको क्या बोलना चाहिए उस पर चढ़ाया जाता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि यार यही तो है, जो फार्मिंग जितने भी टूल्स है वो फार्मर लोग का एक दोस्त ही तो है ना, वही तो उसका हेल्प करते पूरे थ्रू फार्मिंग टाइम में। तो बस यही इसका पीछे लॉजिक है, आप इसके पीछे लॉजिक देखोगे तो बहुत एक अच्छा भी है यार, जो आपका हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको पूजा कर रहे हैं या उसके लिए आप ब्लेसिंग मांग रहे हैं या ब्लेसिंग ले रहे हो उससे, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मेरी पूजा तो ख़त्म हो चुकी थी और बस मैं जा रही थी अंदर, ये देख लीजिए जितने भी गार्डन में होता है यूज़ वो है, हसिया वगैरह है, चाकू है, वो सब का पूजा कर रही हूँ। अदरवाइज़ इस त्यौहार को ना गांव में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, क्योंकि ये फार्मर लोग का सबसे पहला त्यौहार होता है। खैर पूजा जा करने के बाद मेरे को भूख लगी थी क्योंकि मैं कुछ खाई नहीं थी, टाइम हो गया था एक या डेढ़ दो बज गया था पता नहीं, भूख लगा था, सबसे पहले इडली डोसा खाई हूँ, और आधे लोग सुबह खा रहे थे, आधे लोग अभी खा रहे थे, भाई लोग अभी खाए थे, तो मैं सबका ना छुप छुप के ना रिकॉर्ड करी थी, इनको किसी को नहीं पता कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ए भाई जस्ट अभी आया है जिम से और ना हाथ पे लंबा करके खा रहा है, अगर इसको पता चलता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही तो मेरे को डांट पड़ती। और ये है डुग्गू महाराज, इसकी शैतानी आजकल दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, देखो ना कहाँ आके बैठा है, सोफे के ऊपर आके बैठा है। तो बस शाम के सब बैठ के, क्योंकि सब कोई घर में थे ना, आज हॉलीडे भी था, बारिश भी चल रहा था, कोई बाहर गया भी नहीं था, तो सब बैठ के शाम की चाय वाय नाश्ते की मजा ले रहे थे, सब चटर पटर मार रहे थे, डुग्गू अपनी मस्ती में लगा हुआ था, सब इसको देख रहे थे, और इसकी मस्ती इतनी क्या बोलूँ इतना क्यूट रहता ना कि बस बता ही नहीं सकती। और मेरे छोटे भाई के साथ बहुत खेलता है, बहुत ये भाई के साथ खेल रहे हैं, इसको इसके साथ शाम को रात को, इसको रात को 11:30-12 बजे दौड़ा पड़ता है, रात को 11:30-12 बजे भी इसको खेल रहता है,
इस सब का देखो भाई का लोअर अभी पकड़ के खींच रहा था, उसका लोअर ही फाड़ दिया। मेरा तो मेरा भी लोअर जो पहनी थी सूट पे पहनी थी वो फाड़ दिया, दीदी का दो सूट फाड़ दिया, मम्मी का एक गाउन फाड़ दिया। मतलब दांत में पकड़ता है और दांत इसका इतना शार्प है ना कि उसमें ना फंस जाता है, फिर खींचता तो पूरा खिंचा ही जाता है। और इसकी मस्ती चली रही थी देखो ना। रात में साढ़े ग्यारह बजे का नौटंकी क्या है डुगो पोसिया। मैं तो राजा बन गया। चालू है अब पूरा कीचड़ कीचड़ पैर लेके अंदर आए होशियार है गार्डन से। बाहर ले तो सही है, इसने कहीं रात फिर सुन नहीं लिया। जाना पड़ जाएगा सोना।